वजू तकरीबन 50 मिनट है, अजान। पंखे बंद कर दे, ये वाला बंद कर दे, सेंट्रल वाला भी नहीं होगा, ये सारे बंद कर दे, सारे बंद करते हैं, कोई कैमरा नहीं आएगा। हां, तो लोगों को होना चाहिए कि जो शैक के ऊपर वाला पंखा बंद रोज आ रहे हैं। सिंपल सा सवाल है कि नबी पाक के घर में पंखे थे नहीं? नफ्स के इंसान हर सामान को याद करे और वो सामान ना हो तो याद खुदा छोड़े। और ये याद रखें कि जो असल मशायख हैं जिनके हम गुलाम हैं, उनका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है तसव्वुफ, हर वक्त बारगाह रसूल में रहना। हजरत अबुल अब्बास क़ुदसी का कौल तो आप सब ने सुना हुआ है, क्या होता है कि अगर एक लम्हे के लिए भी मैं बारगाह रिसालत से गाफिल होता हूँ, गायब होता हूँ, तो मैं अपने आप को मुसलमान शुमार नहीं करता। इस कदर औलिया किराम का ज़हन, रूह, दिमाग, हरकत, सोचें, हर चीज। अब उनमें से एक फर्क ये है कि इंसान ये समझे कि मैं दरबारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हूँ, और ये वही दौर है, कम अज कम मजदूर अपने इमाम को समझे ना, नमाज पढ़ने खड़ा हो तो जो मसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाले हो वो तो इमाम है ही है, तो क्यों ना सरकार को उनका भी इमाम समझ कर पीछे। अल्लाह क्या बात है, जहाँ चकवाल के करीब एक जगह है म्यानी शरीफ, वहां पर हमारा एक कॉलेज है प्रचार कर, वहां पर एक प्रोफेसर गुजरे हैं, प्रोफेसर गाजी अहमद, उनका इब्तदाई नाम था कृष्ण दास, वो हिंदू थे बचपन में, तो उनको किसी ने बता दिया कि लैलतुल कदर भी कोई चीज होती है और उसमें जो दुआ मांगे कबूल होती है, और किसी ने ये कहा कि लैलतुल कदर मिलती है या सलामों पढ़ने से। बड़ा सा मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, मेरा जुर्मा रहेगा लोग, उसके कॉन्टेंट्स जो है मैंने चूंकि एक दफा पढ़ी थी, उनका मैं कॉन्टेंट्स एग्जैक्टली उस तरह ना बयान कर सकूँ, लेकिन एक किताब लेकर आप पढ़ लीजिए, मेरा जुर्मात है वो मुसलमान किस तरह हुए, लेकिन समरी उसकी जो मैं पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप दोस्त है। उन्होंने उनकी उनकी मोहब्बत सरकार तस्लीम से होगी और उनका दिल के अंदर एक भूख बैठ गई कि अगर इस्लाम सच्चा है तो नबी पाक और सलाम मुझे जरूर ख्वाब में आएंगे, मुझे कर पढ़ाएंगे। एक हिंदू ने सोचा कि मुसलमानों के नबी से जो प्यार करता वो उससे जरूर मिलते,
बंदूक और गन के जरिए से और बमों के जरिए से इस्लाम नाफिज करने वालों शर्म करो और ये कॉन्सेप्ट समझो। एक हिंदू ये अकीदा रख बैठे कि मुसलमानों के नबी, उस वक्त मुसलमान नहीं तो बच्चा था, मुसलमानों का नबी, उससे जो प्यार करे वो ख्वाब में आता है, और अगर इस्लाम सच्चा है तो इंसान कलमा पढ़े बगैर रह नहीं सकता। तो कृष्ण दास मासूम बच्चे का सरकार ख्वाब में अच्छे प्यार करना पड़ा। यहां तक तो किताब में लिखा हो, और फिर उसके बाद उन्होंने जो इल्मी काम किए उनमें से एक बहुत बरकत वाला इल्मी काम किया, जिन लोगों ने अपने इस्लामिक स्टडीज वगैरह किया है उनके लिए, या जो तफसियात के आलिम हैं, तफसियात निजामी के फाजिल हैं, तो मारूफ किताब है फिक्ह इस्लामी की हिदायत हिदायत शरीफ का उन्होंने तर्जमा किया है उर्दू ज़बान, और पार्ट वाइज उन्होंने कृष्ण दास जो बाद में गाजी अहमद पहले उन्होंने तर्जमा किया, और फिक्ह इस्लामी की छोटी की किताब है हर दोस्त के पास होती है। वो उनकी जिंदगी कैसे गुजरी वो इस वक्त का मौजू नहीं है, लेकिन ये नतीजा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, उनकी दरबारे रिसालत के साथ इतनी वाबस्तगी हो गई कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में सरकार से एक प्रॉमिस लिया, एप्लीकेशन पेश की ना, या रसूलल्लाह मैं हज़रत का गुलाम हूँ और सारी जिंदगी हिंदू मेरे कत्ल के लड़ता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने रस्तगी फरमाई और मैं जिंदा सलामत मौजूद हूँ, लेकिन जनाब एक करम फरमाए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे जनाजे की इमामत जनाब फरमाए। ये स्टेटमेंट किसकी? मेरे अपने एक मोहसिन बड़े भाई की, जनाब सरदार मोहम्मद असलम साहब ने मुझे ये बात बताई, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद थे, सारा जमाना वाले जानते हैं, उन्होंने मुझे ये बात बहरास्त है मान लगे कि मैंने ये किताब पढ़ी मेरे जुलमात लंदो, तो मैं गाजिया मसाह से मिलने के लिए मैं वहाँ चला गया, तो गाजी साहब ने जो और बहुत सारी बातें बताई उनमें से एक ये कि मैंने सरकार की बारगाह में एप्लीकेशन पेश कर दी और सरकार ने कबूल फरमा लिया कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो मैं तुम्हारे जनाजे में शिरकत जरूर करूँ, सरकार शिरकत फरमाते इमामत तौर पर करा नहीं सकता, जारी इमामत के मसले पर कोई खड़ा हो असली इमामत सरकार खुद करा सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस चीज को ध्यान में रखें कि मुसलमान की, ये टॉपिक हमने कहां से शुरू किया था, पंखों से, पंखा परस्ती छोड़ो, पंखों के बगैर भी नमाज हो जाती है। सरकार का रब अपनी उम्मा के साथ किस तरह का, कुदरत नशियात को आप सारे जानते हैं, उन्होंने अपनी किताब जो मारूफ किताब है शिहाब नामा उसके अंदर एक वाक्य लिखा, कहते हैं कि मैं एक मस्जिद में गया, उस वक्त में डिप्टी कमिश्नर था या कमिश्नर था एग्जैक्ट वो देख लीजिए, वहां मैंने नमाज पढ़ी, नमाज जमा अदा की, फटे पुराने कपड़ों वाला या एक सादा सा दरवेश सा आलिम दीन थे,
उन्होंने इमामत फरमाई और उसमें हमने एक नुक्ता बयान किया जो मेरे उस मसले का हल था जो मैं दिल में रखे रखे फिरता रहा और वो क्या था दमे आरिफ नसीबे सुबदम इसी से रिशाए मानव में नम अगर कोई शायब आए बेसर शिबानी से कलीमी दो दो फरमाते मेरा शायब कहा है जो शिबानी से कलीमी अदा करते मेरा मुर्शिद कहा है जो मुझे इमराम पे चला मैं किसे अपना रानबा बनाऊ और मुर्शिद की तलाश आसान काम नहीं है मुर्शिद वो होता है जो बारगाह मुस्तफा का रिकमेंडेड हो ठीक है एक न तो एक पीर साहब मुझे मिले तो एक ही मरीज साथ ही साथ ठीक और इमामे अगर खोल कर यू सीधे किए जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम एक दिन का फासला बनता मैंने उनके से मुलाकात कहते जी वो अली कलाम आप करवाओ वो कहानी गुफ्तगु शुरू हुई तो मैंने दो तीन बातें की जो उनकी और उनके सस्ते और उनके शहर के हवाले से थी घबरा गए मुझे कहने लगे अच्छा थोड़ा टाइम दे सो मैं बहुत टाइम थोड़े से एक थोड़े ना गला बाड़ा पाया ना दे सो ठीक है मैं उनको लेकर के जरा साइड पे चला गया और मैंने पूछा क्या कर दी क्या आना चाह रही ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਦਾਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲਦੀ ਕਹਿ ਮਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਿਸਾਈ ਦੇ ਮੇਂ ਗਏ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ੂ ਬਦਲ ਉਹ ਗਿਆ ਚਾਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇ ਜਦ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮਰੀਦੀ ਕਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ उम्मत को कौन संभाले ठीक है तो आसान तरीका है तवज्जो रखें सरकार की तरफ और एप्लीकेशन हाथ में ठीक है और ज़हनी तौर पर रूहानी तौर पर फिक्री तौर पर जज्बियाती तौर पर नफ्सियाती तौर पर सरकार के दरबार से मुंसलिक रहें जो ही मौका मिले और चूंकि आप अल्लाह के वो बंदे हैं कि सरताबी का तसव्वुर ही नहीं हो सकता कभी हो नहीं सकता कि अल्लाह का अमर हो हुज़ूर उसकी तामीन में हो नहीं सकता ज़हन में तो जब कायनात में कहीं भी ये बात मान सकते आपके लिए अमर क्या है कि वहम्मा सायला फलाता ना हर्च कि मालूम किसी सायल को हाल ही में मोड़ना इस पर सरकार अमल फरमाए भी और आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी ये उसके लिए है कि जिसने अभी तक कोई शेख नहीं पढ़ा या शेख ने उसे नहीं पढ़ा लोग इसमें ना एक वो है जो शेख की तलाश में आते हैं एक वो है जो शेख उनकी तलाश में आते हैं सुल्तान बाहु 40 साल तक शेख कामिल की तलाश में रहा अब 40 साल से मुरीद की तलाश कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि मैंने नेसमा पाली यहाँ पे किधर यहाँ पे किसान जब यहाँ पे यहाँ दोस्त तंग अभी बस सत्तर घंटे हम आपके इलाके से होते हैं दो तीन दिन पहले आपके मीजे के बगैर अच्छा
फार्मूला शायद आपके दिल में होगा। तो फार्मूला ये है कि एप्लीकेशन अपने जब मौका मिले पेश कर। या इसका एक और तरीका भी कि आपके बुजुर्गों ने किसी वली की खिदमत की हो और आप बातनी तौर पर आप अपने आप को उनका मुरीद पाते हैं तो उस हस्ती का एप्लीकेशन पेश करते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको एक अमल बता दूं, अगर आप 360 दफा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर जिस वली को बख्शेंगे उनकी रूह है तैयब आपकी तरफ पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो आपकी दस्तगीरी फरमाएगी। अब आपके पास दो अमाल है, एक अमल तो वो 70,000 मरतबा कलमा तैयबा शरीफ वाला कि सरकार ने सरकार की बारगाह कुछ में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, या रसूलल्लाह मेरे वालिद साहब विसाल फरमा गए हैं और मैं उनके लिए कुछ खिदमत नहीं कर सका, मैं क्या करूँगा ताकि मेरी रूह को तस्कीन मिले। सरकार ने फरमाया कि 70,000 मरतबा कलमाए तैयबा शरीफ पढ़ो और उनकी रूह को इसारे सवाब पढ़ने वाला बख्शा जाए, जिसकी खातिर पढ़ेगा वो बख्शा जाए और तीसरा उनसे राबिता हो जाए। एक अमुताल बस ये हो गए। इस तरह मैंने बहुत गुफ्तगू की हुई है मुख्तलिफ स्पीचेस के अंदर, वो उसके आपको पीसेस मिल जाएंगे, उनके जगजा करें क्योंकि मैं बार बार रेपिटेशंस का कायल नहीं हूँ। इस वक्त का जो मौजू है वो ये है कि उम्मत का हुजूर से राबिता और उम्मत का दरबार रसूल के साथ ऐसा ताल्लुक जो उस जमाने से मुताबिक रखता, ये टॉपिक है जो मैं उनका बयान कर रहा था। अब आपके पास दो अमल है, एक सूरह मुज़म्मिल शरीफ वाला कि 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ जिसको पढ़ कर बख्शेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वली आपकी तरफ मुतवज्जिह हो जाएगी, बल्कि लिखने वाले ने ये लिखा है कि उनकी रूह तैयब आपकी पाबंद हो जाएगी, आपको फैज देंगे। लेकिन हम ये बेअदबी सोच भी नहीं सकते, शायद लिखने वाले को कोई आज हुआ होगा लेकिन हम सोच भी नहीं सकते हम कौन होते हैं किसी वली की रूह को पाबंद करने वाले। ठीक है, फर्ज करें हज़रत सैयद हज़रत मेरे से आपका प्यार है तो फर्ज ना करें बल्कि करें, सिर्फ फर्ज इतना करें बल्कि उनसे प्यार करें। हज़रत सैयद सदात हमारे बहुत बड़े मौसे हैं, हज़रत सैयद सदात हज़रत मेरे शाह रहमतुल्लाह हमारे बहुत बड़े मौसे हैं। अगर आपकी उनसे मोहब्बत हो और मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए तो फिर आप क्या करें कि ये तस्वुर भी ना करें कि उनकी रूह को हम पाबंद कर सकें, आप पाबंद होकर उनकी रूह की खिदमत में हाजिरी देते हैं। जिस हज़रत सैयद सदात ने कंसेप्ट पेश किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर कब्र में तशरीफ लाते और अहले सुन्नत का एक इज्तिमाई अकीदा कि हर कब्र में हुज़ूर सैयद आलम तशरीफ लाते और माकुन तकून फी हक़ हाज़र रजुल के इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते रहे हो हज़रत इब्राहिम नाज़िम रहमतुल्लाहि अलैहि। ठीक है, इस शख्सियत के बारे में इसका क्या मानना है? अगर हदीस पाक में ये अल्फाज ना हो तो फिर हम मुझे अगर ये अल्फाज मौजूद हो तो सवाल कहाँ हो रहा है? कब्र में। ठीक है, कब्र के अंदर सवाल हो रहा है किससे? बेज़ाहिर मुर्दे से। जी इसका मतलब है कि जब सरकार आए तो जिंदगी आती है। अल्लाह,
जहां सरकार हो वहां मुमकिन है कि जिंदगी ना हो। अगर लकड़ी का सदोर जिंदा हो जाए ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सरकार के सामने आने और जिंदगी में जाने में ईमान शर्त नहीं है। ठीक है, मैं बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। आप ईमान जाहिर कलमा का पढ़ना शर्त नहीं है। क्यों? कि क्या ये सवाल कब्र में सिर्फ मुसलमानों से आना है? क्या सिर्फ मुसलमानों से आना है ये बात? क्या सिर्फ मुसलमानों से आना है? अगर सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हर इंसान से आना है। इसका मतलब है जहां सरकार आए वहां हर इंसान जिंदा हो, काफिर हो के मुशरिक हो या बिदअती हो या कोई हो, ठीक है, उसको जिंदा होना पड़ेगा। जिंदगी उसकी मजबूरी बन जाती है, उसे जिंदा होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि मैंने इनको नहीं माना। क्या बात है, ठीक है, या सीधे अथे मतलब या बुटे अथे मतलब, लेकिन जिंदगी शर्त है। अजीब सवाल है, जिंदगी शर्त, अजीब जवाब है। जिंदगी शर्त है, अताए जिंदगी शर्त है और गैर मशरूत शर्त है, कोई इसमें किसी किस्म की अनकंडीशनल है, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई मुसलमान हो या ना, ठीक है। और जनाब तसव्वुर कब्र पाबंद होना शर्त नहीं है। छह फुट का गड़ा लंबा डेढ़ फुट चौड़ा, ये गड़ा शर्त नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए ये गड़ा मुयसर नहीं है। बिल्कुल सर, जिसको इस्लाम की इस्तेलाह में कब्र कहते हैं। क्या बात है, सुनाई बात है, शर्त नहीं है। शर्त क्या है? जहां पर के उसकी जिंदगी के आसार जाएंगे, जहां तक के उसकी बॉडी डिस्पर्स हो जाएगी, उस सब डिस्पर्सल को अपने अपने मुकाम पर यह सवाल सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ठीक है, अजीब और गरीब टॉपिक्स हैं, काश कोई ईमान की जुजियात पे गौर करे। ठीक है, हिंदू है और उसकी राख उसको चरा दिया गया और उसकी राख कहां को बातें हिंदू गंगा में, गंगा में, गंगा में बहा दी गई और डिसॉल्व हो गई, गंगा बहती हुई बहर हिंद में जा पहुंची और बहर हिंद पूरी जमीन पर फैल गया। आप उस राख के जर्रात जहां जहां जाएंगे सवाल उस उनसे होगा, क्योंकि जिंदगी का ताल्लुक उन जर्रात से था, उन सेल्स से था और उन जर्रात उन और उन एटम्स से था जो मिलकर जिंदगी बनाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां जहां वो जर्रात जाएंगे वहां वहां सरकार वहां वहां सरकार तशरीफ लाएगी। अब हुजूर की बारगाह पाक में हुजूर सैयद सदात कर रहा फरमाते हैं कि एक तो जब भी कभी सरकार की बशरियत का जिक्र हो कभी भी सिर्फ बशर न करे, खैर बशर सिर्फ बशर कभी भी ना करे, ठीक है, खैर बशर नंबर वन। नंबर टू आप फरमाते हैं कि तस्वर कब्र ये है कि रूह का बॉडी से निकल जाना, फिर बॉडी जहां भी जाएगी वो कब्र है, यानी डिसॉल्व होगा। अगर एक अच्छी है
अगर बॉडी इकट्ठी है, इकट्ठी है, डिकम्पोज नहीं हुई, तो उस गड़े में रखने के लिए जो मुसलमानों ने अटैच किया हुआ है वो भी कब्र है। अगर फजाओं में उड़ा दी गई, फर्ज करें कि बिजली का झटका लगा और जर का राग फजाओं में उड़ गई, तो वो फजा कब्र है, उसका हर जर्रा कब्र है। अगर दरिया में बह गई तो वह दरिया कब्र है, समुंदर में जा पहुंची तो समुंदर कब्र है। क्यों? कि उसने जवाब दे होना है रब की बारगाह। अब रब की बारगाह में जवाब दे होने के लिए जब फरिश्ते सवाल लेकर जाएंगे वो बड़े बड़े मुजरिम फंसा लगे नहीं, फरिश्ते सवाल लेकर जाएंगे हर जर्रे के पास, ठीक है, तो हर जर्रे से ये सवाल होगा और हर जर्रे से सवाल करने वाले फरिश्ते होंगे, सरकार की शबीह मुबारक होगी, ज्यादा मुबारक होगी। लोग कहते हैं कि सिर्फ शबीह होगी, उसका जिंदगी जरूरी नहीं, और जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो जिंदा है, जो पूछने वाले हैं वो जिंदा है। क्या बात है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है मरता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, और जिसकी हाजिरी के नतीजे में ये जिंदा हुआ, जिसकी बारगाह में हाजिरी के लिए फरिश्ते कहां कहां से आए। लेकिन इससे अगला नुकता सुने, अगर हर जर्रे ने जवाब दिया होना है तो हर जर्रे के पास फरिश्तों का जाना जरूरी है। बिल्कुल समझे मैं क्या कह रहा हूं, एक हदीस की शरह कर रहा हूं। जी सर। एक दिन एक मोटी सी किताब उठाए एक बुजुर्ग मौलाना एक मस्जिद में बैठे, यही हदीस बयान कर रहे थे, और यही हजरत इब्राहिम ने आजम अली हदीस बयान कर रहे थे, काउंटर मस्जिद में वाक्य। और अगर मुमताज सर को याद हो, याद है, पूरे नहीं खड़े खाली घोड़े हो बाल इतना यार कह लगे कि वहां कब्र में सवाल होंगे, मां रबों का तेरा रब कौन है, मां दीनों का तेरा दीन कौन सा है, और उसके बाद फिर वो इबारत बोल छोड़, फिर वो इबारत तो सीधी गले पे छोड़ी रखती है ना, इबारत छोड़ दी, ईमान लाते हैं कि नहीं लाते, ये तीसरा सवाल होगा। अच्छा, मैं नमाज पढ़ रहा था, जोर की नमाज का टाइम था, तेजी से मैंने सलाम करना तो मौलाना रुक जाए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि उस मस्जिद में मुझे अक्सर लोग जानते थे, सही, पीछे कुछ दोस्त खड़े थे, ओ ओ की आवाज है, ओ वो ऐसा पास है, मैंने कहा मौलाना था ये जो ऐसा पड़ा इसके सर रनिंग क्या, वो जी जी मेरे सामने जो ये लिखा हुआ है, मैंने कहा इसका रेफरेंस में ये दिस का क्या, इसकी वर्डिंग ये नहीं है कि मां कुंता तकूल फी हक हसब रजुल सुभान अल्लाह, तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते रहे हो, माकुन था तो बोलो कहा ना जकून से माकुन था तो बोलो फिर आपके हाजिर रहो कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते रहे। एक रात मुझे ये बात मिले माकुन था तो बोलो फिर हाजिर रहो, ठीक है, माना एक बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा बनाना बताए इसका माना क्या बनता है, आप जनाब उनके चेले जाने देना, जी प्रोफेसर साहब देखे ना जी ये फसाद करना अच्छी बात है, मैंने कहा हदीस बयान करना फसाद है, ये फतवा दो इधर, हदीस बयान करना फसाद है, हदीस की शरह करना फसाद है, और नहीं जी मेहरबानी करो जी मसले की कुरान चला जिसमें चला गया उसे झगड़ा ना वो करे जो झूठा हो, ये सच की जगह है, मैं वादा करता हूँ झगड़ा नहीं करूंगा, आप बैठे मेरे साथ डिस्कशन कर, नहीं जी मैं मेहरबानी करो जी मैंने कहा मौलाना सुन ले सारे दोस्त जो बैठे हुए थे, मैंने कहा सुन ले सारे हदीस ये है कि तुम इस हस्ती के बारे में जो सामने होगी
उस वक्त क्या कर रहे हो, तुम्हारा अकीदा बयान होगा और इसमें हुजूर अलैहि तस्लीम का हाजिर और नाजिर होना चाहिए। लेकिन आज बताओ ये नहीं है हुजूर का हाजिर और नाजिर होना, हर उस फरिश्ते का हर जर्रे के साथ जो डीकम्पोज होकर इंटरकॉन्टिनेंटल बन चुका है, यूनिवर्सल बन चुका है, उस यूनिवर्स में हर जर्रे के साथ हुजूर अलैहि तस्लीम की रूहानियत काम कर रही है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ हुजूर ही नहीं, हुजूर के दरबारे पाक में हाजिर होने वाले वो फरिश्ते हर सर पर ड्यूटी देने के पाबंद है, क्योंकि सरकार आए तो वो गुलाम रहे कैसे सुनते। अब हजरत सैयद सादात का ईमान देखें, फरमाते हैं मेरा अकीदा ये है कि हुजूर तशरीफ नहीं लाते कायनात के हर शय हुजूर के सामने पेश। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत सैयद सादात सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूं सही करें, वाह हम गुलामों की खातिर हुजूर तक भी क्यों फरमाए, ठीक है, कायनात के सरे सरे की खातिर हुजूर क्यों सामने फरमाए, कुछ जर्रे पाक होते हैं कुछ नापाक होते हैं, उनकी खातिर हुजूर क्यों सामने फरमाए, कायनात की हर शय हुजूर के सामने पेश किया जाती है, या रसूल आप उनके बारे में क्या फरमाते हैं। वहां गुनाहगार तो फिर बोल नहीं सके ना जनाब क्या फरमाए। तो आज ये कह रहा था कि हम कोई शय नहीं कि हम पाबंद हों कर सकें किसी रूए अमर को जो हजूर सैयद सदात वाला की हो, जो हाजिर खासगन हल्के की रजिया मसाला के जिनके स्टेटमेंट की मैं गुजार कर रहा, ये स्टेटमेंट उनकी है, हल्के बोल अब्बास मिर्सी का नाम तो मैंने लिया ना, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने हल्के बोल अब्बास मिर्सी का नाम लिया, लेकिन ये स्टेटमेंट हाजिर खासगान हजरत के नजीरा मसाब सरकार मौलवी रहमत अल्लाह अलैह की हमारे नजदीक वली अल्लाह को जो दरबार रसूल से अहकामात वसूल करे उसका नाज़िल करना, ठीक है, ये जबरदस्ती पकड़ पकड़ के धगड़ धगड़ के बैत कराना ये आले तरीकत का मशहूर नहीं है। नक्शबंदिया के सूफिया इरशाद फरमाते हैं कि जब तक कोई बंदा तीन दफा इसरार ना करे दिल से उसको अपनी महफिल में ना भेजे। खुदा का शुक्र है कि इस महफिल में आने वाले मोहब्बतें लेके आए हैं, किसी को कोई पकड़ कर नहीं लाया, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ, यहाँ आने वाले मोहब्बतों की सवाल लेके आए, यहाँ आने वाले नूर लेके आए, और ये जो इस दौर में जो पीली भी सियासत बन चुकी है इस सियासत को फाड़ में चौंके और कानून याद रखे कि एप्लीकेशन आप में और उस वली के हाथ में कि जिससे आप या आपके बुजुर्ग प्यार करते रहे। हमारे जद करीम हजरत मौलाना मौलवी पंजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे एक कजन हजरत साईं नेक मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिले ख्वाब में और फरमाने लगे कि असलम ने दादे साड़ी खिदमत की थी, असलम इसकी जज बना देता सरदार मोहम्मद रसूल जब चीफ जस्टिस बने, बल्कि जब हाई कोर्ट के जस्टिस बने फिर बाद में चीफ जस्टिस हो गए, तो उनके हवाले से उनके दादा जान हुजूर जिंदे करीम की बारगाह कुछ में और बारगाह अक्दस में हाजिरी देते थे और दूध लेके आते थे, जिस तरह हमारे मौजा हमें दूध पिलाते हैं, दूध लेके आ करते थे, तो साग के वक्त दूध लेके आते हजरत उससे चाय नोश फरमाते, तो फरमाया इस असलम ने दादे सारी खिदमत की थी, असलम की जाय बना। इसका मतलब यह है कि कोई पुष्ट कहीं खिदमत गुजार गुजरी हो उनकी औलादों का फैज क्या बात है। अगर कोई दलील मांगे आज कल कुरान तो अल्लाह किसी के ना मरना, हदीस तो अल्लाह किसी के ना मरना, जब कुरान भी आ जाता है तो भी ना मरना, बुखारी शरीफ एक सब मुझे कहते जड़ी गल बुखारी शरीफ ना मरना, मैंने बुखारी से साबित करने कहते हैं शरीफ ना, ये तो बात है।
یاد ہے حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ جی بالکل شک. تو کیا وجہ تھی کہ دیواریں جو تھی جی سر کشتی اور خزانہ, دیواریں تھی کشتی کا بچہ بچہ جی سر. ٹھیک ہے, اب اسباب کیا تھے مشہور واقعہ, اسباب کیا تھے کہ کانا ابو ہما سالے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر ہے نا سبحان اللہ کانا ابو ہما سالے سبحان اللہ. اور مورخین نے اس پر تحقیق کر کے پایا نومی پشت کا بندہ سالے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں پانی مانگا, انہوں نے پانی نہ دیا گھر والوں نے, ٹھیک ہے, تو جناب خضر فرماتے ہیں چلو یہ پانی دینا دے, ان کی دیوار گر رہی ہے, یہ دیوار تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ صاحب چلانے کے پیچھے کہتے ہیں خضر قرآن نام ہے کیا کر رہے ہو, پانی یہ نہیں پرانے پہ تو سر دیوار جانا لگے, انہوں نے دیوار تعمیر کی. حضرت موسیٰ صاحب کو ساتھ ساتھ مزدوری کرنی پڑی ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں بزرگوں کو. تو دیوار جب تعمیر ہو چکی حضرت موسیٰ صاحب پہ جلالی تھے کسی بادشاہ یہ کیا کیا آپ نے ادھر پانی نہیں پلا رہے, آپ نے ہمارا کانا ابو ہوا صالحا, آخر میں جب تشریف ہمائی فرمایا نومی پشت ان کی سالے گزری ہے, اس کا فیض ان کو یہاں مل رہا ہے جو کہ خزانہ ضائع نہ ہو. اس دیوار میں کیا تھا؟ خزانہ تھا. اب مانا یہ ذکر اپلیکیشن بعد میں, اگر خود پیش کر سکو موقع مل جائے تو غنیمت, موقع نہ ملے تو اس ولی کو ٹریس کرو کہ جس ولی کی خدمت گزار آپ کی والدہ رہی ہے, کوئی بزرگ مائیوں میں سے کوئی رہی ہے, کوئی آپ کے والدین میں سے بزرگوں میں سے اسناف میں سے کوئی بزرگ رہے ان کا واسطہ یا ان کی خدمت میں اپلیکیشن کہ میں نہیں کر سکتا آپ کریں. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ مولانا نے اس مسجد میں کیا کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی تھی کہ صحابہ اکرام جب کوئی بارگاہ رسالت سے کوئی بات منظور کرانا ہو تو جناب سیدہ کی بارگاہ کی کیا بات ہے, اور جناب سیدہ وہ اپلیکیشن منظور کروا لیتے. خدا تمہارا شاپ کہتے ہیں گھر آیا تو میں نے کہا مولانا بڑے سالے سے بندے تھے لیکن بات بڑے کام کی گھر, کیوں نہ یہ فارمولا میں بھی آزماؤں. اور عجیب بات ہے کہ کل عرض کے بس حسن رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا ہے, آج سوار کل عرس ہوا ہے اور آج یہ وہی باتیں چل پڑی ہیں, اور میں نے کوئی پری پلان کر کے بات نہیں آیا تھا کہ یہ اس موضوع پر بات کرنی ہے, خود ہی چل پڑی آتے ہیں غیر سے یہ مضامین خیال خان غالب شریر خامہ نوار حصہ یہ حضرت سائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے کل ان کا عرس تھا آج بھی ان کا عرس تھا آج جہاں ہے. تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں مجھے فارمولہ مل گیا, میں کہا چلے اچھا ہو گیا, میں نے گھر جا کر جناب سیدہ کی بارگاہ پاک میں پیش کرنے کے لیے ثواب پیش کرنے کے لیے میں نے دو رکعت نمازیں نفل پڑھے اور ان کی روح طیبہ کو استعمال کیا. مجھے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر پیران صاحب قبلہ نے فرمایا تھا جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی یاد آئے دو رکعت نماز نفل پڑھ کر ساری امہ کو اور خصوصاً والد گرامی کو. سبحان سبحان. آپ کے لیے تیسرا عمل یہ ہے, ایک سورہ مزمل شریف, ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریف, اور ایک دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس سال سبحان خدا تعالیٰ سے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سال ثواب کے بعد بھول گیا کیونکہ مشنری کی سیٹ تھی مصروفیت تھی بھول گیا کہ میں نے کوئی درخواست پیش کی تھی, اور پھر جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن بھی پیش کی
कि ये एप्लीकेशन है सरकार की बारगाह से मुझे अप्रूव करा दे, मुझे शेख चाहिए। ठीक, अब जनाब कहते हैं मैं भूल गया। कुछ दिनों के बाद मेरी एक भाभी जो जर्मनी में रहती है उनका खत मुझे मौसूल हुआ। ठीक है, वो खत कुदरतुल्लाह शाह ने अपनी किताब में बाकायदा छापा है, आप उसकी फोटो कॉपी भी पास से ले सकते हैं। उसकी वर्डिंग जहां तक मुझे याद है वो लिखती है, एग्जैक्ट वर्डिंग मुमकिन है थोड़ी बहुत पता दिल्ली को, क्योंकि मेमोरी का इंसाल कर रहा कि उसने भाभी ने लिखा कि यस्टर नाइट आई हैड द ऑनर ऑफ सीइंग फातिमा द प्रॉफिट्स डॉटर इन माय ड्रीम, कि कल रात मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम की शहजादी जनाब सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा को प्राप्त कर रखा। शी टोल्ड मी टू टेल यू, शी आस्क्ड मी टू टेल यू मिस्टर कुदरतुल्लाह शिहाब योर ब्रदर इन लॉ दैट शी हैज गॉट हर हिज एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय हिज ऑनरेबल कि मैंने अपने भाई कुदरतुल्लाह शिहाब को बता दो, इससे कहा भाभी से टेल मिस्टर कुदरतुल्लाह शिहाब योर ब्रदर दैट आई हैव गॉट हिज एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय माय ग्रेट फादर, कि मैंने उनकी दरख्वास्त अपने अजीम वारिस गिरामी से मंजूर करा दी। कहते हैं कि ये एप्लीकेशन जब ये खत मैंने देखा पढ़ा तो मेरी हालत की इंतहा न रही, तरफ किसे कहते हैं इंतहा न रही, ये क्या हो? कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी हालत की तो हद हो गई ना, कहते जाते जाते मैंने देखा मैं अपनी कार में सफर कर रहा था कि एक खत उड़ता उड़ता मेरी कार में आ गया। कहते मैंने उसको खोल के पढ़ा तो लिखा हुआ था कि मेरी दरबारे रिसालत से ड्यूटी लगी है तुम्हारी तबीयत, सुभान अल्लाह, मेरा और तुम्हारा रबता इस तरह गैबाना तौर पर होता रहेगा, तुम्हें मेरा खत इसी तरीके से मिलेगा और तुम इसका जवाब लिखकर अलमारी में बंद करके लॉक लगा देना, मुझे मिल जाएगा। कुदरतुल्लाह शाह कहते हैं उसके बाद 25 साल तक यह सिलसिला चलता रहा कि मैं खत मुझे इस तरह मिलते रहे और मैं खतों के जवाब इस तरह देता, खत लिखकर अलमारी में लॉकअप करके छोड़ देता, अलमारी को साथ खत जा चुका। क्या अजीब कोई पोस्टल सिस्टम है। तो क्या होता है कि पीरे कामिल की तलाश का ये तरीका नबवी तरीका या सूफियाना तरीका, जिस शेख को तलाश करना हो, जिस शेख कामिल को तलाश करना हो, उसकी ड्यूटी या दरबारे रसूल से लगेगी या आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। अब दो सूरतें दरबारे रसूल में हाजिर रहने इख्तलाफ बात की थी कि इस्लाम और ईमान शर्त है, इस बात मशरूत नहीं है कि मुसलमान दरबारे रसूल के साथ ताल्लुक रखे। अब उस ताल्लुक की दरबारे रसूल में हाजिरी की तकरीबन तीन जिहाद है, तीन जिहाद है। या तो खुद दरबार रसालत में रहा हो यानी सियाबी हो जो अब मुमकिन नहीं क्योंकि सियाबी काम तो हिसाब कमा चुके हैं, कोई एक जिन सियाबी है जो इस वक्त मौजूद है
یہ اسرار الہیہ ہیں اور یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ہے. میں اس پر کوئی دلیل کام نہیں کروں گا کہ اتنی بھی روحانی چیز ہے, لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق رہے گی موجود کہ جو براہ راست سے آبی ہے. یا صحابی ہے, صحابی ہوتا ہی براہ راست ہے. کیا کہنا, یہ حضور کے معجزات میں سے ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک مخلوق ضرور موجود رہے گی جو دین سرکار کو براہ راست دیکھا. شاہ ولی اللہ کا کلیم یہی ہے کہ میں نے بعض حدیثیں سرکار سے خود سنی ہیں اور بعض حدیثیں سرکار کے کسی صحابی سے سنی. محدث ہے, محدثین کا بادشاہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاہ ولی اللہ کے دور میں صحابی موجود. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کا دعویٰ فرمایا, اور اس دور میں بھی کسی ہستی نے اس کا نام مجھے ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا. فرمایا کہ صحابی ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں. تو اس طرح رابطے, یا تو وہ صحابی یا کوئی خوش نصیب ہستی جو اس دور میں بھی مقام صحابیت پہ فائز ہو, اس سے اس کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں. اب ایک تو یہ صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر دربار رسال سے مسلح سمجھیں, اور اس کا طریقہ مطالعہ قرآن و حدیث. مسٹر آرٹسن نے لکھا ہے کہ مطالعہ صحیح یہ ہے, انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی آف لٹریچر, صحیح مطالعہ یہ ہے کہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کا ذہن ایک ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ وسیلہ ارتباط ذہنی بن جاتا ہے جو وسیلہ ارتباط روح میں بدل جاتا ہے. یعنی ذہن ایک ہو جاتے ہیں, اور جو زیادہ غالب ذہن ہے وہ مغلوب ذہن کو اپنا فیض منتقل کرتا ہے, چونکہ ذہن رسالت غالب ہے. حدیث پاک کی اوریجنل ورڈنگ, اصل ورڈنگ, اصل مطالعہ, اصل لینگویج, یہی وجہ ہے محدثی ہے. حدیث کی روایت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ او کما قال علیہ السلام, اس لیے میں نے آپ کہ جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا. قرآن کلام الہی ہے, ذہن ربانی سے, یونیورسل مائنڈ سے, ذہن ربانی, یونیورسل مائنڈ, یونیورسل مائنڈ سے ہم آہنگ والے کے لیے قرآن پڑھے, اور پروفیٹک مائنڈ سے ہم آہنگ والے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا بڑا مقام ہے. سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن پاک ہے, نماز کے بعد اور فرائض کے بعد, یعنی جو حج بیت اللہ شریف ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, روزے ہیں, یہ فرائض ہیں نا. تو یاد یہ رکھیں کہ قرآن پڑھنا بھی فرض ہی ہے. قرآن پڑھنا بھی فرض ہے, لہٰذا اس فرض کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ قرآن پڑھنا فرض ہے. وظیفے سارے جان کے پڑھتے رہو, قرآن کبھی بھی نہ بھولے. وہ تو کہ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اب تیسری صورت, تیسری صورت یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر دربار رسالت میں حاضری دے سکے, جس طرح اولیاء کرام کا طریقہ, یعنی صحابی ایک, مطالعہ قرآن و حدیث دو, اور روحانی طور پر اس قابل ہو جانا تربیت آواز اتنی ہو چکی ہو کہ اب جب بھی دیوان الصالحین کی میٹنگ سرکار طرف فرمائے وہ انسان حاضر ہو سکے, یا روزانہ مدینہ طیبہ شریف میں جائے تو سرکار کی محفل میں شریک ہو سکے. اس موضوع کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجالس النبی میں یا دیگر اپنی کتابوں میں یہ اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ
مرشد کامل دربار رسالت کا حضوری. اب حضوری سیابی کی صورت میں ایک, حضوری روحانی آواز بنا کر اس قابل ہو جانا دو, اور تیسرا مطالعہ قرآن و حدیث تین. ان ساری چیزوں سے کا نتیجہ کیا کہ کانٹیکٹ ود نبی پاک علیہ السلام. اب حدیث پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ماحول وہ ملے گا اس دور کا, اس دور کا نہیں. حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو بجلی نہیں ملے, حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو پنکھا نہیں ملے, حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو موبائل نہیں ملے گا جیب میں ڈال کے نماز پڑھنا پڑتا ہے, اس کو آن رکھنا بھی پڑ جاتا ہے, ساتھ ساتھ لمبا بھی ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو وہاں نہیں ملے گی, لاؤڈ اسپیکر میں آزاد بھی نہیں ملے گی. ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھنے, میں ان کو منع نہیں کرتا کہ آپ کو کہیں گے نا کہیں ڈبے لگا لیں سب کچھ بات نہیں, دور کے ساتھ ساتھ چلے, لیکن اس دور کی پکچر کو کبھی نہ بھولے. دو فیز ہو گئے, فیز ون میں آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں, لیکن فیز ٹو میں اسی وقت آپ کیا ہیں, دربار رسالت میں آپ موجود ہیں. اور جو منظر اس نماز کا تھا وہ منظر روحانی طور پر اس نماز کا, جو منظر وہاں پہ جانے سے نبی کا تھا حضور کی محفلوں کا تھا, وہ منظر یہاں پر اپنے آپ پاری کر کے پاری تو کچھ اور بیان کرنا تھا, لیکن رفتاریں ہمیشہ ہی. آپ کے کچھ کوشچنس بھی تھے, بہت زیادہ کوشچنس پچھلی محفل کے بعد آئے, تو اس کو نماز کے بعد ایک بریک میں کرتا ہوں. بہت زیادہ